हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए NIOS क्लास 10th का चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्रिप्स, कि गिलहरी को उसकी धारियाँ कैसे मिली। दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ द मैनी स्टोरीज रेफर्ड टू इन दी रामायण। ये जो कहानी है रामायण के अंदर बताई गई बहुत सारी कहानियों में से एक है। द स्टोरी ट्राइज टू फाइंड आउट, ये स्टोरी ये ढूंढने का प्रयत्न करती है, द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रिप्स ऑन द बॉडी ऑफ ए स्क्विरल, एक गिलहरी के जो शरीर पर धारियां होती हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है। इट आल्सो एम्फेसाइजेज द डिग्निटी ऑफ लेबर, ये कहानी हमें श्रम के महत्व, श्रम की डिग्निटी मतलब गरिमा को बताती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग्स इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क, किसी टीम वर्क के अंदर जो भाग लेने पर जो हमें फीलिंग आती है उस फीलिंग की इम्पोर्टेंस को बताती है। एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट इन सम वे, और हमें ये भी बताती है कि छोटे से छोटा भी अगर आप कोई कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्प करते हैं वो भी किसी न किसी तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कहानी है रामायण की, भगवान राम आस्क्ड हिज आर्मी टू बिल्ड ए ब्रिज ओवर द सी। तो भगवान राम ने अपनी सेना को समुद्र पर एक पुल बनाने का आदेश दिया। वर्क बिगेन एट वंस ऑन ए स्टोन ब्रिज, पत्थरों के एक पुल पर काम जल्दी ही शुरू हो गया, मतलब सेना ने तुरंत एक पुल बनाना शुरू कर दिया। द मंकीज पुल्ड आउट रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स फ्रॉम दी माउंटेन्स, जो वानर थे वो पर्वतों से चट्टानों और भारी पत्थरों को उखाड़ते एंड कैरिड देम टू दी सी, और उन्हें समुद्र में ले जाते। दे कट देम इंटू शेप एंड बिगेन टू बिल्ड दी ब्रिज, उन्होंने पत्थरों को शेप में काटना शुरू किया और पुल का निर्माण शुरू किया। ऑल दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट, और ये सब काम जो था ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा कठिन था। वर्क एंड इट टुक ए लॉन्ग टाइम, और इस काम में बहुत सारा समय लगा। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वर्क नाइट एंड डे, हजारों वानर सुबह से लेकर रात तक सारा दिन काम कर रहे थे। राम फेल्ट हैप्पी, भगवान राम बड़े खुश थे। हाउ हार्ड दे वर्क, ये कितना मेहनत वाला काम कर रहे हैं। देयर लव फॉर मी मेक्स देम वर्क लाइक दिस, थॉट राम। राम जी ने सोचा कि इनका जो मेरे प्रति प्रेम है उसी के कारण ये लोग इस ऐसा काम कर रहे हैं, या ये लोग मेरे प्रति प्यार के कारण इस काम को करने के लिए मोटिवेट हैं। वन डे राम सा ए स्मॉल ब्राउन स्क्विरल, एक दिन राम ने एक छोटी सी भूरे रंग की स्क्विरल देखा। यहाँ एक ये ही आया है, यानी कि ये एक मेल स्क्विरल था, एक नर गिलहरी था। ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन द सी शोर विद द लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ, और वो जो नर गिलहरा गिलहरी थी वो अपने मुंह में कुछ छोटे छोटे पत्थर लेकर सी शोर समुद्र के किनारे की तरफ जा रही थी, बार बार आ रही थी जा रही थी। द लिटिल स्क्वायरल, छोटी सी जो गिलहरी थी, कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स एट ए टाइम इन हिज स्मॉल माउथ, वो अपने छोटे से मुंह में एक समय में छोटे छोटे पत्थर लेके जा सकता था। ही कैरिड द पेबल्स फ्रॉम द सी शोर एंड ड्रॉप्ड देम इन टू द सी, वो समुद्र के किनारे से छोटे छोटे पत्थर उठाता और उन्हें समुद्र में गिरा देता। ए ग्रेट मंकी वॉज कैरिंग ए लार्ज हैवी स्टोन ऑन हिज बैक, एक बड़ा सारा जो वानर था उसके कंधे पर, उसकी कमर पर एक बड़ा सारा
बड़ा भारी सा पत्थर था, एंड द स्क्वेरल केम इन हिज वे, और वो जो गिलहरी थी वो उसके रास्ते में आ गई। द मंकी जंप्ड बैक, बंदर ने पीछे की तरफ छलांग लगाई। हेयर यू लिटिल थिंग, शाउटेड द मंकी इन ए वॉइस लाइक थंडर, कड़कड़ाती हुई आवाज में वानर चिल्लाया, अरे तुम छोटी चीज, अरे नाचीज, यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में हो, आई स्टेप्ड बैक एंड यू आर अलाइव नाउ, मैं पीछे हट गया इसलिए तुम जिंदा हो, बट आई नियरली फॉल, पर मैं तो गिर ही जाता, एंड वट आर यू डूइंग हियर, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। द लिटिल स्क्वायरल लुक्ड अप एट द ग्रेट मंकी, छोटे से गिलहरी ने बड़े सारे वानर को देखा। आई एम सॉरी यू नियरली फेल लिटिल मंकी, ही सेड इन हिज स्मॉल वॉइस, उसने अपनी छोटी सी आवाज में बोला, माफ करना बड़े भाई तुम गिर जाते, बट प्लीज ऑलवेज लुक व्हाट यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, पर प्लीज ध्यान रखो आप कहाँ जा रहे हो। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज, मैं राम की पुल बनाने में मदद कर रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, और मैं उसके लिए बड़ा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। यू वाट, शाउटेड द मंकी, तुम क्या, बंदर चिल्लाया, एंड लाफ्ड अलाउड, और जोर जोर से हंसा। डिड यू हियर दैट, ही सेड टू अदर मंकीज, उसने बाकी वानरों को बोला, अरे तुमने सुना, द स्क्विरल इज बिल्डिंग ए ब्रिज विद हिज पीबल्स, ये गिलहरी अपने कंकरों से एक ब्रिज बना रही है। ओ डियर आई हैव नेवर हियर्ड ए फनियर स्टोरी, मैंने इससे ज्यादा मजाक किया कोई बात नहीं सुनी है। द अदर मंकीज लाफ्ड टू, बाकी बंद वानर भी हंसे। द स्क्विरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल, अब गिलहरी को तो ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगा। ही सेड, वो बोला, लुक I can't carry mountains or rocks. देखो मैं पहाड़ या पत्थर तो नहीं उठा सकता। God gave me only a little strength. भगवान ने तो मुझे थोड़ी सी ताकत दी है। I can carry only carry pebbles. मैं तो केवल छोटे छोटे कंकर उठा सकता हूँ। My heart cries out for Rama and I will do all I can for him. अब मेरे मन में भगवान राम के लिए दुख है और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करूँगा। The monkey said, बंदर बोले, Don't be foolish, मूर्ख मत बनो। Do you think you can help Rama? क्या तुम सोचते हो क्या तुम राम जी की मदद कर सकते हो। डू यू थिंक वी कैन बिल्ड ए ब्रिज विथ पेबल्स, क्या तुम ये सोचते हो कि हम कंकरों से एक ब्रिज बना सकते हैं। ही हैज ए बिग आर्मी टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए एक बड़ी सेना है। गो होम एंड डोंट गेट इन आवर वे, घर जाओ दोबारा हमारे रास्ते में मत आना। बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू, सेड द स्क्विरल एंड वुड नॉट गो, पर मैं भी मदद करना चाहता हूँ, बंदर गिलहरी बोली और वो नहीं गई। ही कैरिड द पेबल्स अगेन फ्रॉम द शोर टू द सी, उसने फिर समुद्र के किनारे से कंकर उठाए और समुद्र में डाले। द मंकीज वर एंग्री, वानरों में गुस्सा आ गया, एंड वन ऑफ देम पिक्ड अप द स्क्विरल बाय हिज टेल एंड थ्रू हिम फार अवे, और एक बंदर ने, एक वानर ने गिलहरी को पूंछ से उठाकर दूर फेंक दिया। द स्क्विरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ राम फेल इन टू हिज हैंड्स,
अब वो जो गिलहरी था वो राम का नाम पुकारते हुए उनके हाथों में जा गिरा। देन राम हेल्ड द स्क्वायरल क्लोज टू हिम, फिर राम ने उस गिलहरी को अपने पास पकड़ा। ही सेड टू द मंकीज, उसने वानरों को बोला, डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल, कमजोर और छोटों का मजाक मत उड़ाओ। योर स्ट्रेंथ और व्हाट यू डू इज नॉट इम्पोर्टेंट, तुम्हारी ताकत या तुम जो कर रहे हो वो महान नहीं है। व्हाट मैटर्स इज योर लव, मेन क्या है तुम्हारा प्यार। दिस लिटिल स्क्वायरल हैज लव इन हिज हार्ट, इस छोटी सी गिलहरी के मन में इसके प्रति प्रेम है। ही देन हेल्ड द स्क्वायरल क्लोज टू हिम एंड सेड, उसने फिर उस गिलहरी को अपने पास और पास लाया और बोले, लिटिल वन योर लव टच माई हार्ट, छोटी गिलहरी तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल को छू लिया। He said these words and passed his fingers gently over the little squirrel's back. उसने ऐसा बोला और अपने जो उनकी उंगलियां थी उन्हें छोटी सी गिलहरी की कमर पर प्यार से फेरा। And when he put him down there were three white straps on his back. और जब भगवान ने उसे जमीन पर नीचे रखा उसके कमर पर तीन सफेद धारियां थी। दीज वर द मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामास फिंगर, ये भगवान राम की उंगलियों के निशान थे। फ्रॉम देन ऑन द स्क्वायरल कैरीज द थ्री वाइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बैक, तब से गिलहरियों की कमर पर तीन सफेद धारियां होती हैं। ए टेल फ्रॉम दी रामायण, ये रामायण की एक कथा है। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, हाउ डिड दी स्क्वायरल जस्टिफाई व्हाट ही वाज डूइंग, स्क्वायरल ने अपने आप को कैसे जस्टिफाई किया जो वो कर रही थी, यानी कि स्क्वायरल ने क्या क्यों कहा कि मैं सही कर रही हूँ। द स्क्वायरल जस्टिफाइड व्हाट ही वाज डूइंग बाय सेइंग दैट ही डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ, स्क्वायरल ने कहा कि ठीक है मेरे पास ज़्यादा ताकत नहीं है, बट ही कुड स्टिल हेल्प बाय कैरिंग पीबल्स, पर फिर भी वो छोटे छोटे पत्थर उठाकर हेल्प कर सकती है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प लॉर्ड रामा इन वट एवर वे ही कुड, क्योंकि वो जिस तरीके से भी हो सके भगवान राम की मदद करना चाहता है। Why did the squirrel want to help in building the bridge? वो जो गिलहरी था वो भगवान राम की मदद क्यों करना चाहता था? The squirrel wanted to help because he had love for Lord Ram, क्योंकि उसके मन में भगवान राम के प्रति प्रेम था, and wanted to show his love for him, और वो अपने प्रेम को दिखाना चाहता था। Was the work of squirrel less important and than the monkey's work? ये काफ़ी important question है कि क्या जो काम वो गिलहरी कर रहा था क्या वो बंदरों के काम से कम इम्पोर्टेंट था? तो देखिए, नो, द वर्क ऑफ स्क्वायरल वाज नॉट लेस इम्पोर्टेंट, वो जो गिलहरी जो काम कर रहा था वो कम इम्पोर्टेंट नहीं था। मेन इसमें क्या करता है, द लव मैटर्ड, इसमें लव मैटर्ड करता है। मेन क्या है, स्ट्रेंथ नहीं मैटर करती बल्कि लव मैटर करता है। How did the squirrel come into Lord Rama's hand? भगवान राम के हाथों में स्क्वायरल कैसे आया? When one of the monkeys picked the squirrel up by the tail and threw him away, जब एक बंदर ने पूंछ से उठाकर गिलहरी को फेंक दिया, he fell into Lord Rama's hand, वो भगवान राम के हाथों में जा गिरा। How did the squirrel get his strips? ये भी काफी important question है। When the squirrel fell into Lord Rama's hand, जब वो गिलहरी भगवान राम के हाथों में गिरा, he gently and lovingly ran his finger on squirrel's back, तो उन्होंने उसकी कमर पर प्यार से अपनी उंगलियां फेराई। The strips on squirrel's back are the marks of Lord Rama's finger, वो जो उसके हाथों कमर पर धारियां हैं वो भगवान राम की उंगलियों के निशान हैं। So,
प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसके इंटेक्स क्वेश्चन या बाकी सब क्वेश्चन भी इजी से कवर कर पाएं। जैसा भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, मैं इस वीडियो की हेल्प से उन लोगों को पढ़ने में हेल्प कर रहा हूँ जो लोग किसी कारण से अपने घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि हाँ इससे आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और फ्रेंड्स की भी लाइफ चेंज हो सके, वो भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।